नमस्कार दोस्तों वेलकम टू तो स्टडी आई यू जुडिशरी माई ने एम एस कुमार दोस्तों जब भी हम किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि एक तरफ तो बिल्डिंग पुरानी होती जा रही है फ्लैट पुराना होता जा रहा है कमज़ोर होता जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ उसी फ्लैट की कीमत बढ़ रही होती है आखिर ऐसा क्यों दूसरी तरफ ये कि अगर मान लीजिए मैंने किसी बिल्डिंग में कोई फ्लैट खरीदा उस बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर की नेचुरल एज थी वो पूरी हो जाती है उसके बाद वो बिल्डिंग सेफ़ नहीं है उस बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाता है तो ऐसे में मेरे हाथ क्या आएगा या फिर किसी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर वो बिल्डिंग गिर जाती है जिसमें मैंने फ्लैट खरीदा था तो अल्टीमेटली मेरे हाथ में क्या आएगा क्योंकि फ्लैट तो बचा नहीं आज हम इन्हीं सवालों के उत्तर ढूंढेंगे आज हम बात करेंगे एक नए कंसेप्ट की दैट इज यू डी एस या दैट इज अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड सो ये अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड क्या है क्यों फ्लैट्स की कीमत बढ़ती है बावजूद इसके कि फ्लैट कमजोर हो रहे हैं ये सब हम समझेंगे चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने एक और मुद्दे की वो ये कि अगर आप मेरे सेशंस की पीपीटीज डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप मुझे डीएम करना चाहें तो इंस्टाग्राम की साइडी पर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं एक और अब बात करें वो ये कि भाई जब हम फ्लैट खरीद लेते हैं तो वो जो फ्लैट खरीदा जिस सोसाइटी में जिस बिल्डिंग जिस सोसाइटी में हमने उस बिल्डिंग में वो फ्लैट खरीदा उस सोसाइटी की उस जमीन पर मालिकाना हक किसका होता है देखिए मान लीजिए ये एक सोसाइटी है ये सोसाइटी बनी हुई है इस जमीन के इस टुकड़े पर तो अब ये जो जमीन है इसके ऊपर किसका मालिकाना हक होगा ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि ये जो फ्लैट ऑनर्स होते हैं इन्हीं का मालिकाना हक होता है इन्हीं की ऑनरशिप होती है उस जमीन पर जिस पे ये फ्लैट की बिल्डिंग खड़ी है सो so, अपार्टमेंट्स जो होते हैं या अपार्टमेंट बिल्डिंग्स जो होती हैं उन अपार्टमेंट्स को जो ऑन करने वाले फ्लैट ओनर्स होते हैं उन्हीं का मालिकाना हक होता है इस पूरी की पूरी जमीन पर अगर हम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें या फिर कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज की बात करें वहां पर एक छोटा सा डिविएशन हमें देखने को मिलता है वहां पर क्या होता है जो फ्लैट ओनर्स होते हैं फ्लैट ओनर्स को कुछ शेयर्स मिल जाते हैं और वो शेयर्स मिलते हैं आपके फ्लैट के साइज के अकॉर्डिंग और वो जो शेयर्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंड में ऑनरशिप मिल जाती है सो so, मैंने यहाँ पे लिखा भी है क्या इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द लैंड इज ऑन्ड बाय दी सोसाइटी सो बेसिकली आपको जो पूरी की पूरी सोसाइटी है वो लैंड को ओन करती है और जो फ्लैट ओनर्स होते हैं दे आर दी शेयर होल्डर्स ऑफ दी सोसाइटी सो इस तरह से वहां पर भी इसी तरह का कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है ना जो हमने कहा कि प्राइजेस होते हैं जो अपार्टमेंट्स के देखिए जो अपार्टमेंट के प्राइस होते हैं उसमें दो तरह के कंपोनेंट्स आ जाते हैं पहला तो होता है कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो कि हम सब जानते हैं कि स्ट्रक्चर कमजोर हो रहा है तो जो कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो घटती जाएगी डेप्रिसिएशन होती जाएगी दूसरा हो गया कॉस्ट ऑफ द लैंड अब ये जो कॉस्ट ऑफ द लैंड होती है दरअसल बढ़ रही होती है और यही कारण है जिसकी वजह से हमारी जो फ्लैट की कीमत है वो भी बढ़ रही है क्योंकि वो फ्लैट जो है अल्टीमेटली हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है वो फ्लैट अल्टीमेटली हमें क्या कर रहा है जमीन में हिस्सा प्रोवाइड कर रहा है सो so, मान लीजिए एक बिल्डिंग है ये बिल्डिंग बनी हुई है इस जमीन के टुकड़े पर सो so, अल्टीमेटली ये जो बिल्डिंग है ये तो पुरानी हो ही रही है लेकिन ये जो फ्लैट का ऑनर होगा इसका जो हिस्सा है इस पूरी की पूरी जमीन में वो जमीन का रेट बढ़ रहा है इसी वजह से इस फ्लैट का रेट भी बढ़ रहा है नाउ यू डी एस अनिवाइडेड शेयर इन लैंड अब ये क्या होता है तो देखिए अनडिवाइडेड शेयर इज अ पार्ट ऑफ लैंड हेल्ड बाय द बायर ऑफ द अपार्टमेंट इन अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ऑन अ प्लॉट ऑन विच द एंटायर स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड सो बेसिकली ये जो जमीन है इसमें मेरे फ्लैट के प्रोपोर्शन में जो जमीन का टुकड़ा मुझे मिला हुआ है वो होता है अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड सो बेसिकली ये होता है यूडीएस अब एक चीज हमें और यहां पर याद रखनी चाहिए दोस्तों वो ये कि ईच एंड एवरी फ्लैट बिल्ट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लॉट विल हैव अ शेयर इन द लैंड बट विल नॉट हैव एनी डिफाइंड बाउंड्री यानी कि ये जो यूडीएस होता है इसमें undi, undivided क्यों लिखा गया क्योंकि यहाँ पर मेरे फ्लैट के अकॉर्डिंग इस जमीन में, में मेरा हिस्सा तो है लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कौन से वाला हिस्सा मेरा है क्योंकि वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं होता दरअसल ये केवल और केवल एक सिक्योरिटी होती है और वो इस बात की सिक्योरिटी होती है कि कल को जब आपका फ्लैट नहीं रहेगा बिल्डिंग गिर जाएगी तो आपको आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका कुछ रिटर्न इस ज़मीन से मिल जाएगा इसमें कहीं पर भी ये डिफाइंड नहीं होता कि जमीन में ये वाला हिस्सा आपका है या ये वाला हिस्सा आपका ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं होता है इसीलिए यू से भी इसे कहा जाता है चलिए सो so यहाँ पर एक चीज और हमें समझनी चाहिए वो ये कि वेन आफ्टर सेवरल ईयर जब बिल्डिंग जो है उसे डिमोलिश किया जाता है या फिर रीडेवलपमेंट

उसका एक फॉर्मूला समझेंगे अब वो फॉर्मूला कैसे काम करता है इसमें होता है कि अनडिवा इंडिविजुअल अपार्टमेंट सुपर बिल्ट अप एरिया जो भी इंडिविजुअल अपार्टमेंट मान लीजिए मेरा टू बी का इंडिविजुअल अपार्टमेंट है उसका सुपर बिल्ट बिल्ट अप एरिया कितना है डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी अपार्टमेंट सुपर बिल्ट अप एरिया इन टोटल लैंड एरिया सो सुपर बिल्ट अप एरिया क्या हो गया जो फ्लैट मेरा है वो कितने एरिया में बना हुआ है डिवाइडेड बाय जो पूरी की पूरी सोसाइटी है उसमें सारे फ्लैट का सुपर बिल्टअअप एरिया कितना है इन टू में जो लैंड जिसके ऊपर वो सोसाइटी बनी है उसका टोटल एरिया कितना है सो so, मान लीजिए मिस्टर ए उनका एक टू बी एच के फ्लैट है उस टू बी एच के फ्लैट की जो सुपर बिल्टअप एरिया है वो लेट से थाउजेंड स्क्वायर फीट है अब जिस सोसाइटी में इनका टू बी एच के फ्लैट है मान लीजिए कि उस सोसाइटी में फिफ्टी फ्लैट टू बी एच के हैं एंड फिफ्टी फ्लैट थ्री बी एच के हैं

थ्री बी एच के फ्लैट का सुपर बिल्ट बिल्टअपीन हंड्रेड स्क्ट है ये टोटल कितना हो गया एक लाख पच्चीस हजार सोसाइटी में उसका टोटल सुपर बिल्ट अप एरिया कितना हो गया स्क्वायर फीट अब लैंड का टोटल बिल्ट अप टोटल एरिया कितना मान लेते हैं हम थाउजेंड एक लाख स्क्वायर फीट मान लिया अब मेरा जो टू बी फ्लैट है उसका यूडीएस मुझे कितना मिलेगा तो उसका जो हमने फॉर्मूला लगाया था

वो मेरा उसमें कवर्ड है सो so, उसके बदले में अगर ये बिल्डिंग कल को गिरा दी जाती है तो 800 हंड्रेड स्क्वायर फीट का ये जो एरिया है वो मुझे मिलेगा इसी तरह से अगर मैं थ्री बी एच के फ्लैट ऑन करता हूं तो अगेन वही सेम फॉर्मूला कि मेरे फ्लैट का सुपर बिल्ट एरिया वर्सेज डिवाइडेड बाय टोटल सुपर बिल्ट एरिया ऑफ होल सोसाइटी इन टू मई टोटल लैंड ऑफ द होल सोसाइटी इज इक्वल्स टू ट्वेल्व हंड्रेड स्कोयर फीट सो इस तरह से ये अनडिवाइडेड शेयर काम करता है अब जब भी आप कोई फ्लैट खरीद रहे हैं उस समय हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला तो ये कि आपके सेल अग्रीमेंट में ये मेंशन होना चाहिए कि आपको यूडीएस कितना मिल रहा है दूसरी बात अगर मैंशनड नहीं भी है तो आपको अपने बिल्डर से पूछना चाहिए कि आपको यूडीएस कितना मिल रहा है आपके फ्लैट के एवज में दूसरा यूडीएस प्रोमिस्ड और यूडीएस मैंशन जो आपको बिल्डर ने या फिर जो भी आपको सेल करने वाला व्यक्ति है उसने जो यू बताया है वो और जो अग्रीमेंट में यूडीएस ध्यान रखना चाहिए कि वो सेम होना चाहिए उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए साथ ही में बायर गेट्स शेयर सर्टिफिकेट इन केस द यूनिट इज इन कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी और ऑलराइट सो तो अगर आप किसी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में अगर कुछ खरीद रहे हैं फ्लैट वगैरह तो वहां पर आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि बताएगा कि आपका इस सोसाइटी में कितना शेयर होता है अगर कल को ये जो अपार्टमेंट्स हैं ये गिरा दिया जाता है तो सो so ये कुछ बातें हैं जो कि हमें याद रखनी चाहिए और यहाँ से हमें उत्तर मिलता है हमारे मेन सवाल का कि अगर कल को मेरी बिल्डिंग गिर जाती है तो क्या मुझे कुछ मिलेगा तो हाँ उसके बदले में मुझे जमीन के कुछ हिस्से पर मालिकाना हक मिलेगा वो जमीन को बेचा जाएगा और मेरे हिस्से में जितनी जमीन आती थी उसकी एवेज में जो भी टोटल जमीन बेच कर पैसा आता है उस प्रोपोर्शन में मुझे मिल जाएगा तो ये है कंसेप्ट यूडीएस का आई होप कि आपको समझ आया होगा साथ ही में मैं आपको बता दूं कि आज यानी कि 30 दिसंबर और कल यानी कि 31 दिसंबर को सेल का आखिरी दिन है लोएस्ट प्राइस पे आपको ये ऑफर मिल रहा है इसका लाभ उठाना ना भूलिएगा थैंक यू